और आपके व्यूअर को हमारे तरफ से नमस्कार है। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर और व्यूअर भी इस चीज़ को आगे मतलब प्रमोट करें कि यहाँ पर एक नया चीज़ जो आज तक इस शहर को नहीं मिला था वो चीज़ मतलब हम कोशिश किए हैं करने के लिए। तो हाँ जी, एक सवाल ये है कि सिवान में बहुत सारा इस तरह का सर्विस पॉइंट है, लेकिन मैंने देखा कि आपके पास जो व्यवस्था है इसमें आप बिल्कुल जो है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वेल अरेंज्ड वे में इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ जो है सुसज्जित किए हुए हैं। तो जो आपके टेक्नीशियन हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं वो कंप्लीट जो है स्किल्ड हैं? सर बिल्कुल वो कंप्लीट स्किल हैं, ट्रेंड हैं, और वो एक बाइक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कैसे काम होना चाहिए वो पहले से वो जानते थे। और मैं अपने माध्यम से भी अपने जो मेरा काम करने का तरीका है वो तरीका को उनके अंदर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और बहुत हद तक वो ट्रेंड हो चुके हैं। और कुछ चीज़ें चूँकि बहुत जल्दी अभी मैं ओपन किया हूँ 14 अप्रैल को, तो इतना दिन में जितना फील उनको मतलब करना चाहिए मैं कर चुका हूँ। और आगे और सबसे पहली चीज़ आप ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी सर्विस सेंटर, तो आपके शहर सिवान में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सेवा यहाँ दी जा रही है आज तक ऐसा अभी तक कोई सर्विस सेंटर ना खुला है और ना कोई चल रहा है। बिल्कुल। देखिए जो हमारे व्यूअर्स हैं जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उन तक यह दावे के साथ बात पहुंचाना चाहूँगा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए जो यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है, संतोषजनक सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोई भी व्यक्ति जिस उद्देश्य से अपने बाइक को लेकर के सर्विस सेंटर पर लाता है, जिस मकसद से आता है, उस पर जो है 100% खरा उतरने का हर संभव प्रयास हो रहा है। तो सिवान के लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं बाइक आज इंसान की ज़िंदगी के सबसे अहम अंग बन चुका है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग भी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, कौन कौन सा बाइक है जो यहाँ पर मतलब जो है टेक्नीशियन के द्वारा उसकी जो है मरम्मत की जाएगी, सुधार किया जाएगा या टेक्निकल काम होगा? देखिए सर, यहाँ पर मल्टी ब्रांड सारे कंपनी की कोई भी बाइक यहाँ पर सर्विस होगा, स्कूटी की कोई भी कंपनी की कोई भी स्कूटी सर्विस होगा, रॉयल एनफील्ड की कोई भी मॉडल यहाँ पर सर्विस होगा, मतलब बाइक का जितनी भी वर्जन है यहाँ पर सर्विस होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आपको कोई आपका मतलब तबीयत ख़राब है या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई ये है, तो आपको अच्छा इलाज चाहिए तो अच्छा अस्पताल में जाना होगा, तो बाइक का भी अच्छा सर्विस चाहिए, अच्छा मतलब उसमें कैसा काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, वो सारा चीज़ करने के लिए आपको अच्छे सर्विस सेंटर में जाना होगा जहाँ पूरा इक्विपमेंट हो, कूलर हो, अच्छा ट्रेंड मैकेनिक हो और सर्विस करने की पूरी सुविधा हो। बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग कंपनियों के जो बाइक्स हैं, चूँकि उसके लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रांडेड इक्विपमेंट्स है कंपनियों का वो तमाम यहाँ अवेलेबल है? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो भी बाइक सर्विस करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए या पूलर चाहिए या सिस्टम चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, मेरे पास वैसा कोई चीज़ नहीं है कि हम डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे और उससे काम नहीं करेंगे। हमको दिखाने के लिए कुछ हम नहीं किए हैं, जो हमको ज़रूरत है और होना चाहिए वो हर चीज़ हमारे पास, मैं कोशिश किया हूँ कि उसको हम पूरा के पूरा तरीका से खुल दी। अपना सेंटर का नाम बताएं। मेरा सेंटर का नाम स्मार्ट सर्विस एंड केयर सेंटर द बाइक क्लिनिक। बाइक क्लिनिक मेरा अपना ब्रांड है और जिस ब्रांड के नीचे हम लोग काम करते हैं, और इसका मेन तात्पर्य है द बाइक क्लिनिक का कि बाइक का हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो उसको जिस तरह से लोग इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जाते हैं, उसी तरह से बाइक का इलाज कराने के लिए एक क्लिनिक आपने जो एस्टेब्लिश किया है, तो ये अपने आप में बहुत ही अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है हमें भी कि आपने इस तरह का कार्य किया है। और आज इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है बाइक, और इसके बगैर सब काम अधूरा है। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि इस तरह का एक कंप्लीट जो है बाइक सेंटर हो जो कि यहाँ तमाम सुविधा मिले? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेटअप यहाँ पर मैं लगाया हूँ
मैं पहले आर्मी में जाने से पहले मैं भी गांव में ही रहता था, इसी सिवान में रहता था। तो यहां से मैं आर्मी में गया और आर्मी में जब मैं काम करना शुरू किया तो वहां का जो सिस्टम है, वर्कशॉप जिसको हम लोग बोलते हैं बाइक का वर्कशॉप, वहां काम करने का जो सिस्टम है, वहां का सिस्टम और सिविल का सिस्टम में बहुत अंतर मैं देखा। तो वहां जैसे काम होता है, जिस सिस्टम के तहत काम होता है, उसको देखकर मेरे मन में कहीं ना कहीं आया कि जब भी मौका मिलेगा, यहाँ से सेवा जब समाप्त होगा मेरा और मतलब सिविल में जा कर के, और जब भी मौका मिलेगा तो मैं अपने लोगों के बीच जाके ये सेवा देने का काम करूँगा, और मैंने कोशिश किया है। यानी कि सेवा काल में ही आपको प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन मिला कि हमें रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मुझे यह काम करना है, और उस जो सपना आपने संजोया था उसको आप व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो लोग बाइक लेकर के अलग अलग केंद्रों पर जाते हैं और उनको ये जानकारी है कि मैं वहाँ पर केवल अपना प्लानिंग ही नहीं किया था, वहाँ पर सेवा करते हुए इस चीज़ का पूरा ट्रेनिंग 2 साल किया, जिसको ऑटोमोबाइल डिप्लोमा कहते हैं, तो उसको हमने पूरा किया। वहाँ पर जाना, समझा, देखा और कुछ दिन वहाँ काम करके और फिर आपके बीच में। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग अपना बाइक मैकेनिक सेंटर तो स्थापित किए हैं, शुरू किए हैं, लेकिन उनके पास कोई जो है दक्षता का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त जो है इंस्टीट्यूशन का उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जो संचालक हैं, प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, जो साक्षात्कार दे रहे हैं, वो खुद जो है भारतीय सेना में रहे हैं और भारतीय सेना में उन्होंने सेलेक्ट किया था, जो टेक्नोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा किया, उसका ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि आज जो है इस काम को धरातल पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अनुभव है और ये जो उनके पास दक्षता है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आएगा काम में, जो कि दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा राजीव कुमार सिंह, मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ और आपके बीच में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। चलिए, अपना सेंटर का नाम एक बार बता दीजिए। स्मार्ट सर्विस एंड केयर सेंटर द बाइक क्लिनिक, तरवारा मोड़, सिवान, पावर हाउस ग्रिड मेन गेट से पूर्व। जी, क्या कहेंगे आप जो है अपना बाइक लेकर के आए हुए हैं? हाँ। और बाइक जो है यहाँ जो सेंटर शुरू हुआ है, यहाँ के सर्विस से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी 3 दिन पहले एक हमारी पुरानी बाइक है, उसको सर्विस करवा के लेके गए हुए थे। और फिर आज एक और अपना हम दूसरा गाड़ी लेके आए हुए हैं सर्विस करवाने के लिए। संतुष्ट हैं तभी लेके आए हुए हैं, काम काफ़ी अच्छा हुआ है। बस अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशि भूषण हुआ, हम तो सिवान में ही रहते हैं, फार्मा में काम करते हैं। सबसे रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ अपना बाइक को जो है, हाँ, क्योंकि हम लोग का बाइक सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पर हम सर्विस करवाए, इससे पहले काफ़ी जगह करवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ करवाने के बाद बाकी जगह से काफ़ी बेहतर, अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा।